हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग ईबीएस के कुछ क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप सारे लोग क्या करो, तो आप सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप सारे लोग हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है स्टडी विद आशीष सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ईबीएस के क्वेश्चन करेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी जो पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव तो जो पहला क्वेश्चन है कि मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम लोग देखें कि मानव और जो जैवमंडल कार्यक्रम अगर हम लोग बात करें, तो इसको हम लोग कहते हैं मैव। क्या कहते हैं इसको? तो इसको हम लोग मैव कहते हैं। इसको फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फेयर। अगर हम लोग मैन एंड बायोस्फेयर की बात करें, तो मैन एंड बायोस्फीयर की जो शुरुआत की गई, वो किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वी, आपका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यानी किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया। अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें, तो यूनेस्को जो यूनेस्को है, अगर यूनेस्को के बारे में देखें, तो यूनेस्को मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूनेस्को की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और आज यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आज यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो आज इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। अब देखिए, तो ये जो मैन एंड बायोस्फीयर, यानी मानव और जो जैवमंडल कार्यक्रम है, इसको यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। और कब से इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1971 ईस्वी से शुरू किया गया था। यानी कब से स्टार्ट किया गया था? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1971 ईस्वी से। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1971 ईस्वी में। यानी आंसर क्या होना चाहिए? 1971। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, यानी इसमें कह रहा है कि जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, उसमें क्या शामिल होता है? तो देखो, इसमें पहला कह रहा है घास स्थल, दूसरा कृषि, तीसरा वायुमंडलीय संतुलन, चौथा आनुवंशिक विभिन्नता। तो इसमें हम लोगों का आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी मतलब क्या हो जाएगा? आनुवंशिक विभिन्नता के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रम के बारे में क्वेश्चन है। अगर हम लोग जैविक अनुक्रम की बात करें, तो जो जैविक अनुक्रम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, जैविक अनुक्रम को ही क्या कहा जाता है? तो इसी जैविक अनुक्रम को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और अगर हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें, तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसके बारे में देखें, तो इसके सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इसमें होगा नग्नीकरण। नग्नीकरण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं न्यूडेशन। क्या कहते हैं इसको? तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूडेशन। उसके बाद क्या होगा? प्रजातियां आएंगी, यानी प्रवास। प्रवास का मतलब माइग्रेशन। उसके बाद क्या होगा? आस्थापन। आस्थापन का मतलब इकेसिस। उसके बाद प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन। और उसके बाद क्या हो जाएगा? स्थिरीकरण। स्थिरीकरण मतलब स्टेबलाइजेशन। यानी हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मतलब नग्नीकरण, प्रवास,
आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हम लोगों का ऑप्शन सही होगा पहला ऑप्शन, एकदम सही है। क्लियर हुआ एकदम? आगे हम लोग पूरी चर्चा करेंगे ये अनुक्रमण होता क्या। बेसिकली किसी स्थान विशेष पर जहां पर पहले से कोई जीव ना हो उसमें जीवों का जो विकास होता है इसी को हम लोग सक्सेशन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर पहले से जीव रहे हो लेकिन किसी कारण पर समाप्त हो गए और दोबारा उसमें जीवों की उत्पत्ति हुई हो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय अनुक्रमण यानी सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो क्या कहलाती है। तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो उसे हम लोग कहेंगे वहन क्षमता, यानी वो जीवों की संख्या जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग आंसर कहते हैं वहन क्षमता कहेंगे उसकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल है, यानी कौन से जीवित है, बायोटिक। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है मूंगा। अगर हम लोग मूंगा की बात करें जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कोरल। अब अगर हम लोग कोरल की बात करें तो ये सागर में पाए जाने वाले जीव होते हैं जो बेसिकली सागर में निवास करते हैं और ये समूह बना करके उथले सागर में रहते हैं। अगर पर्यावरणीय प्रदूषण हो जाए, जल महासागर प्रदूषित हो जाए तो इनके जो शरीर पे स्पोर होते हैं स्पोर भर जाते हैं और जिसके कारण इनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वहीं जम पर जम करके ये चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं और इन्हीं को हम लोग कोरल कहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जो कोरल है सबसे बड़ा कोरल ग्रेट बैरियर रीफ है और ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलता है, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ अगर ये हम मान लें कि ये ऑस्ट्रेलिया है तो इस ऑस्ट्रेलिया की ये जो क्षेत्र है यही क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल, यानी अगला प्रश्न है कि जो वायुमंडल है ये हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर, यानी कहां चलना है हमको, ये हमने मान लिया कि ये हमारा क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया। अब इस क्रस्ट से हमको चलना शुरू करना है और कहां, वायुमंडल में। तो जो वायुमंडल की पहली परत होती है क्या कहते हैं इसको, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर। जो दूसरी परत होती है ये इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। जो तीसरी मंडल होती है क्या कहते हैं इसको, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का मतलब मध्य मंडल। उसके बाद कौन सा होता है, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, आयन मंडल। और सबसे बाहर कौन सा होता है, एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, बहिर्मंडल। अब कह रहा है सतह से, सतह का मतलब क्या हो गया, सतह का मतलब हो गया आपको कहां चलना है, धरातल से। और कहां जाना है, ऊपर चलते हुए चले आना है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, तो सबसे पहले इसमें पड़ेगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा आएगा, समताप मंडल, यानी क्या हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद कौन सा आएगा, मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद क्या आएगा, वायुमंडल। यानी हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, पहले दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद एक, एक के बाद चार। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो तीन एक चार। क्लियर एकदम, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से, निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक। अब देखो अगर आयन की सांद्रता की हम लोग बात करें तो बेसिकली जो आयन की सांद्रता होती है वो आयनोस्फीयर में होती है। कहाँ होती है, आयनोस्फीयर में होती है। तो अब अगर हम लोग इसमें देखें आंसर देखें टिक करें जो आंसर दिया हुआ है, तो अगर हम लोग आंसर के बारे में चले जाए तो देखो इसमें आंसर दिया हुआ है समताप मंडल, तो ये नहीं होगा, बोलो। फिर क्या दिया है, फिर दिया है बहिर्मंडल, एग्जोस्फीयर, ये भी नहीं होगा। क्षोभ मंडल, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल। यानी हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब आंसर क्या हो गया,
तो सी का मतलब हमारा आंसर हो गया वायुमंडल। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 की प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक, अब देखो वायुमंडल सर्वाधिक की बात करें तो क्या, तो इसमें देखो यार ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये देखो ये हमने मान लिया वायुमंडल की सारी गैसें हो गई, तो सारे गैसों में एकदम अकेली कौन सी, तो सारे गैसों में एकदम अकेली 78% क्या पाई जाती है नाइट्रोजन, 21% क्या पाई जाती है ऑक्सीजन, और रिमेनिंग 1% में बाकी सारी गैसें पाई जाती हैं। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा सर्वाधिक पाई जाने वालों में, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का 90% से अधिक जीव भार, यानी विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहां पाया जाता है। और अगर हम लोग इसके बारे में कि 90% से अधिक जीव भार कहां मिला, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हम लोगों का आंसर हो जाएगा महासागरों में, कहां मिलता है तो महासागरों में, आंसर हो जाएगा डी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि जो एस्किमो है, एस्किमो अपना घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, यानी जो एस्किमो, एस्किमो कौन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ये क्या बनाते हैं जो अपना घर बनाते हैं घर को क्या कहते हैं इग्लू, कह रहा है इग्लू यानी अपना घर बर्फ से क्यों बनाते हैं, तो इसका हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये इसलिए बर्फ से बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मेन कारण ये होता है क्योंकि जो बर्फ की दीवार होती है, ये देखिए बी ऑप्शन, तो जो भी ऑप्शन दिया है कि जो बर्फ की दीवार, दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, यानी क्या आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्वेश्चन है, यानी किसके बारे में क्वेश्चन है इको सिस्टम, और इको सिस्टम का प्रयोग 1935 में किसने किया था एजी टांसले ने। तो अब देखो जरा इसके बारे में क्या कह रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी नहीं पे ध्यान देना हम लोगों को, देखो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इकोसिस्टम की हम लोग बात करें तो बेसिकली इकोसिस्टम में क्या होगा, तो जहां पर बायोटिक और कौन से अबायोटिक कंपोनेंट कहा करते हैं एक साथ साथ रहते हैं, इसमें देखो पहला कह रहा है कि जैविक और अजैविक दोनों संघटक से युक्त होता है, ये सही है। अगला कह रहा है इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी क्योंकि प्रोड्यूसर होगा ही तो उत्पादकता भी होगी। कह रहा है एक बंद तंत्र, यही क्या हो जाएगा गलत। कह रहा है प्राकृतिक संसाधन है, ये भी सही है, और बताना क्या था कौन सा सत्य नहीं है, इसलिए आंसर हम लोग क्या टिक करके आएंगे एग्जाम में सी, क्योंकि जो गलत होगा वही क्या माना जाएगा सही आंसर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी, क्लियर है एकदम। चलो अगला सवाल, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि देखो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सम पारिस्थितिकी, यानी कौन सा, तो सम पारिस्थितिकी अगर हम लोग बात करें तो जो सम पारिस्थितिकी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिन इकोलॉजी। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा कौन सा कथन सही है, तो सही इसके लिए हम लोग अगर बताएं तो इसमें क्या हो जाएगा, यह जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो पारिस्थितिकी तो क्या हो जाएगा आंसर जीव और वातावरण, क्योंकि जीव और वातावरण का अध्ययन कहां है पारिस्थितिकी है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन किया जाता है वह है, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान जिसका अध्ययन करते हैं वो कौन है। देखिए इसमें थोड़ा सा दो ही ऑप्शन आया और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ठीक कर लो वातावरण, क्योंकि अभी देखो पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग जीव और वातावरण का, जीव नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा वातावरण का अध्ययन करते हैं। चलिए तो बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली बार करेंगे, खूब अच्छे से इस पर मेहनत कीजिए, तैयार करते रहिए, बहुत बहुत शुभकामना, जय हिंद।